हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूटेरिया पे। मैं प्रवीण कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूँ। चलिए आज के इस नए वीडियो को शुरू करेंगे जिसका नाम है संविधान के प्रमुख भाग। मैंने इससे पहले संविधान के प्रमुख अनुच्छेद, संविधान के प्रमुख संशोधन, इनके संबंध में वीडियोज डाले हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं इस चैप्टर को आज बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से अनुच्छेद कौन कौन से वैसे भाग हैं जो अधिकतर जीके रिलेटेड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम हो, चाहे आप नॉर्मल रेलवे या फिर एसएससी लेवल के एग्ज़ाम देते हैं, तो इन्हीं भागों में से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वे बेसिक भाग हैं जिन्हें हमेशा एक स्टूडेंट के तौर पे, आप जीके के स्टूडेंट के तौर पे आपको याद होना ही चाहिए। तो चलिए इसे हम लोग कैसे याद करेंगे, आपको तो पता ही है कि इसे हम लोग चुटकियों में याद करेंगे, क्योंकि याद करना बहुत आसान है, कोई ट्रिक नहीं, कोई ट्रिक की ज़रूरत भी नहीं है, और फिर भी हमें याद रहेगा, वो भी छोटे समय के लिए नहीं बल्कि लंबे टाइम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज के हमारे वीडियो संविधान के प्रमुख भाग को। सबसे पहले हम लोग आते हैं संविधान के प्रमुख भाग क्या है और कितने भाग है भारतीय संविधान में। तो क्या हुआ, भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। तो जो क्रमशः अनुच्छेद किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के थे, तो उन्हें एक ग्रुप में सजा दिया गया, उसी ग्रुप का नाम दिया गया भाग। जैसे अगर किसी राज्य के बारे में ही केवल है और देश के बारे में, तो उसे एक ग्रुप में डाल दिया गया और उस ग्रुप का नाम दे दिया गया राज्य एवं देश। तो इस तरह से भाग का निर्माण किया गया और यह टोटल भाग संविधान में टोटल 22 भागों की रचना की गई। धीरे धीरे उसमें क्या हुए, संशोधन होने लगे और संशोधन के तहत कुछ भाग हटाए गए तथा कुछ भाग जोड़े गए। इस क्रम में कुछ भाग नए जोड़े गए, जैसे जहाँ भी ये आपको साइड में लगा हुआ मिलता है, जैसे यहाँ 4 का क, 4A, या फिर 9 का क, 9 का ख, इस तरह से जोड़े गए। तो इन्हें जब जोड़ा गया संविधान में, तो इस तरह से भागों की संख्या बढ़ी। अभी अगर हम इन्हें अलग अलग पार्टिकुलर रूप में काउंट करेंगे, क ख को अलग से, तो ये 25 दिखाई देंगे, लेकिन अगर क्रम से हम उसे देखेंगे तो आज भी संविधान में हमारे 22 ही भाग हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन जो पूछते हैं वो 22 भाग से आते हैं, तो वहीं से आपको याद रखना है। 25 सिर्फ आपको ये समझने के लिए मैंने बताया कि यदि इस क को, इस ख को, इस क को अलग अलग रूप में हम लोग जोड़ेंगे, तब जा कर के हमें कितने दिखाई देंगे, तब जा कर के हमें ये 25 दिखाई देंगे, लेकिन ऐसे संविधान में 22 भाग हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले भाग एक, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। पहले भाग को ले लीजिए या पहले अनुच्छेद को ले लीजिए या पहले अनुसूची को ले लीजिए, सभी जगह पहले में यही है, संघ एवं उसके राज्य के विषय में जानकारी दी गई है। तो यहाँ भी भाग में संघ अर्थात भारत और उसके राज्य क्षेत्र से तात्पर्य भारत के जो राज्य हैं और उसके केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके लिस्ट के बारे में जानकारी जो दी गई है वह दी गई है एक में, और इसका विवरण जो है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 में मिलता है। पहले ये तालिका को समझने के लिए मैं बता दूं, यहाँ पे भागों का क्रम लिखा गया है, यहाँ उसमें किसका वर्णन किया गया उसे लिखा गया है, यहाँ वे अनुच्छेद लिखे गए हैं जिस अनुच्छेद के ग्रुप को इस भाग के रूप में बांटा गया है। हालांकि इसमें से क्वेश्चन बहुत कम आएंगे, ये जो अनुच्छेद वाले हैं कुछ इसमें से क्वेश्चन आएंगे, मैं उनको बता दूंगा आपको। चलिए, तो सबसे पहले में संघ एवं उसके राज्य 1 से लेकर 4 के बीच में। दूसरे भाग में जो है वह नागरिकता का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया दोस्तों, नागरिकता का वर्णन किया गया है। ये शुरुआती तौर वाले बहुत आसान है। तो नागरिकता में क्या होता है, कौन भारत के नागरिक हैं, किन कंडीशन में उन्हें भारत की नागरिकता मिलेगी, इस सब का वर्णन अनुच्छेद 5 से 11 और भाग 2 में मिलता है। भाग 3 में मिलता है मौलिक अधिकार, जिसका वर्णन 12 से लेकर के 35 के मध्य किया गया है, 12 से लेकर के 35 के मध्य किया गया। और 4 में मिलता है नीति निर्देशक तत्व, अर्थात राज्य को किस प्रकार के नीति निर्माण करने हैं। राज्य से तात्पर्य यहाँ देश के स्तर पर सरकार और राज्य के स्तर पर सरकार दोनों से है, और वे किस प्रकार से नीति का निर्माण करते हैं, इसका विवरण मिलता है 36 से लेकर के 51 के बीच। और फिर आते हैं 4 के क, मूल कर्तव्य में, जिसको 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया और इसका विवरण है 51 क। ये साइड वाला आपको मैंने अनुच्छेद बताया था, वहाँ भी आप देख सकते हैं, ये एक एक्सटर्नल पार्ट है। चलिए यहाँ भाग को याद करते हैं। तो इसे एक ग्रुप बनाएंगे, यहाँ से लेकर के 1 से लेकर के 4 क तक,
इस ग्रुप को याद करना है, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का अलग ग्रुप बनाएंगे, इसे ग्रुप वाइज याद करेंगे, टेबल वाइज याद करेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहले में क्या है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। दूसरे में क्या है, नागरिकता। तीसरे में क्या है, तो नागरिकता के बाद आ जाता है हमारा मौलिक अधिकार। चौथे में क्या है, नीति निर्देशक तत्व। और पांच चौथे यानी चार के क में क्या है, तो मौलिक कर्तव्य। तो इस तरह से ये हमारे शुरू वाले हमें याद हो गए। अब आते हैं हम इनके तरफ आते हैं। पांच में मिलता है संघ। संघ का मतलब होता है केंद्र। यहाँ जो केंद्र सरकार है उसके संबंध में जानकारी पांच में मिलती है, जिसमें केंद्र में कौन कौन है, तो राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, इन सब का वर्णन स्पेशली पांच में किया गया है। उसके बाद दूसरे स्तर की जो सबसे बड़ी सरकार है वो है राज्य, तो छः में किसका वर्णन किया गया है, राज्य का। सात में पहले यह भी निरस्त कर दिया गया, यानी इसे समाप्त कर दिया गया है। भाग सात में क्या होता था, पहले इसमें विभिन्न प्रकार के राज्य होते थे, राज्य को ग्रुप वाइज बांटा गया था, जैसे ग्रुप ए के राज्य, ग्रुप बी के राज्य। तो उन राज्य के इस ग्रुप पद्धति को सातवें संविधान संशोधन 1956 द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो याद कैसे कर लेंगे, स से सातवें संविधान द्वारा संशोधन द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। तो इधर भी सेवन, इधर भी सेवन, आसानी से आप इसे याद कर सकते हैं। वर्तमान में यह भाग नहीं काम कर रहा है। अब आ जाएंगे आठवें में, तो बहुत आसान है। पांच में हमने देखा संघ, छः में देखा राज्य, सातवां तो समाप्त हो चुका है, और आठ में हम देखेंगे संघ राज्य क्षेत्र अर्थात केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश आपको किस में देखने को मिलता है, आठ में। तो इसको आसानी से, अब ये हमारा एक ग्रुप बन गया, इस ग्रुप को याद करेंगे। फाइव में संघ, सिक्स में राज्य, सेवन में समाप्त हो चुका है, एट में संघ राज्य क्षेत्र। तो आसानी से हम इसे याद कर लेंगे। आ जाइए यहाँ, अब इसे एक ग्रुप बनाते हैं, नाइन से लेकर के नाइन ख तक का। नाइन में क्या है, पंचायत। आपको पता होगा कि भारत में ग्रामीण स्तर पर प्रशासन की एक छोटी इकाई बनाई गई है जिसे हम लोग पंचायत कहते हैं, तो उसका वर्णन भाग नौ में। और शहरों में एक प्रशासन की इकाई बनाई गई है जिसे हम नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर परिषद आदि के नाम से जानते हैं। तो ये नगर पालिका जो शहरी क्षेत्र में जो प्रशासनिक इकाई है उसका वर्णन नाइन क में। और नाइन ख में सहकारी समितियां, यह भी एक तरह की बहुत छोटी स्तर की ही सही लेकिन प्रशासनिक इकाई है। तो ये तीनों छोटे स्तर के प्रशासन, यहाँ हमने बड़े स्तर के देखे, सबसे पहले संघ, फिर राज्य, फिर केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ आएंगे तो नाइन, नाइन का क, नाइन का ख, यानी नाइन नाइन ए नाइन बी। तो हमने यहाँ क्या देखा, पंचायत, नगर पालिका और सहकारी समितियाँ। तो इसे याद करना बहुत आसान हो गया। नाइन में क्या है दोस्तों, एक बार रिकॉल करते रहे माइंड में, नाइन में क्या हो गया है, तो नाइन में हमारे पास है पंचायतें, नाइन क में क्या हो गया है, तो नगर पालिका, नाइन ख में क्या हो गया है, तो सहकारी समितियाँ। अब आ जाते हैं 10 और 11 को एक ग्रुप बनाएंगे। 10 में कहता है अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र। क्या है, भारत में कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर विशेष प्रकार के अनुसूचित जाति और जनजाति विशेष रूप में पाए जाते हैं। नतीजा ये है कि उनके लिए एक अलग से प्रशासनिक ढांचा तैयार किया गया है और उनके संबंध में जो अनुच्छेद वगैरह दिए गए हैं वह इसी के अंतर्गत आते हैं। तो भाग 10 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के वर्णन को दर्शाता है। भाग 11 संघ राज्य संबंध, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, भारतीय संविधान में 11 और 12 में भी है एक्चुअली रिलेशन। तो संघ राज्य संबंध मतलब, संघ का मतलब होता है केंद्र, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो रिलेशन है उसे दर्शाया गया है किस भाग के द्वारा, 11 के द्वारा। तो 10 और 11 को एक साथ याद करेंगे। 10 में क्या है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र के संबंध में जानकारी किस भाग में, 10 भाग में। उसके बाद केंद्र और राज्य के बीच जो रिलेशन है, बॉन्डिंग है, उसके संबंध है, उसके विषय में जानकारी किस भाग में, 11 में। तो 10 और 11 याद हो गए। अब इस चारों को एक साथ, 15 निर्वाचन, इसका अनुच्छेद भी याद कर सकते हैं दोस्तों, 324 से 329 तक है।
निर्वाचन में क्या होता है, हमारे यहाँ चूंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाया गया है और लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी आधारशिला होती है एक स्वच्छ और निष्पक्ष निर्वाचन। यदि स्वच्छ और निष्पक्ष निर्वाचन होता है तो लोकतंत्र की आधारशिला मजबूत होती है और यह अधिक दिनों तक टिकते हैं। इसी क्रम में भारत में निर्वाचन आयोग और उससे जुड़े हुए प्रावधान दिए गए हैं संविधान में, तो वह किस भाग के अंतर्गत आते हैं, 15 के अंतर्गत आते हैं। 15 के अंतर्गत निर्वाचन इलेक्शन की बातें आती हैं, इलेक्शन कमीशन की बातें आती हैं। 17 आते हैं दोस्तों, 15, 17, 18, 20, ये चार को एक साथ याद करना है। 17 में क्या है, राजभाषा, हमने पढ़ा है यहाँ 343 से लेकर 351 के बीच के प्रावधान है इसमें, ये क्वेश्चन कई एग्जाम में भी आ चुके हैं। 343 आर्टिकल क्या कहता है कि भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, और यह किस भाग के अंतर्गत आता है, तो 17। अभी हाल ही में एक एग्ज़ाम हुआ था पीसीएस लेवल पर और उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में राजभाषा किस अनुच्छेद के तहत है और किस संविधान संशोधन के तहत है, किस भाग के तहत है, तो 17। अब आते हैं हम लोग 18 की ओर। 18 में है आपात उपबंध। भारतीय संविधान में तीन प्रकार के आपात उपबंध की बात की गई है जो 352, 356 और 360 अनुच्छेद के तहत लगाए जाते हैं, लेकिन यदि भाग की बात करें तो यह किस भाग में वर्णित है, 18 में, अर्थात 352 से लेकर के 360 के बीच के जो आपात उपबंध है, या अर्थात कब लगाए जाएंगे, किस कंडीशन में लगाए जाएंगे, कब हटाए जाएंगे, ये सारे प्रावधान दिए गए हैं भाग 18 में। और लास्ट आता है दोस्तों हमारे पास 20, संविधान संशोधन। ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया है अनुच्छेद 368, और संविधान संशोधन की जो विशेषता है वो हमने भाग 20 में रखा है, और इसके तहत भारतीय संविधान में कैसे संशोधन किए जा सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस होंगे, साधारण बहुमत क्या है, विशेष बहुमत क्या है, और विशेष बहुमत प्लस राज्य स्तर पर जो आधे से अधिक राज्यों की सहमति क्या है, इस सभी का वर्णन किस में मिलता है, भाग 20 में। तो इस तरह से ये हमारे संविधान के कुछ महत्वपूर्ण भाग हैं जिन्हें हमेशा याद रखना अनिवार्य है। इसके अलावा कुछ आप भाग जो बच जाते हैं हम उन्हें भी याद कर सकते हैं और उन्हें भी याद रखना जरूरी है, लेकिन उन्हें हम तब याद रखेंगे जब ऑलरेडी ये चीज़ें कम से कम हमें याद हो। तो पहले चरण में इतना याद होना बहुत ज़रूरी है, फिर धीरे धीरे इसके स्टोर क्षमता को आप बढ़ाते चलेंगे। चलिए फिर से एक ओवरऑल रिकॉलिंग करते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है। शुरू करते हैं पहले ग्रुप में। पहले ग्रुप में हमने पढ़ा था 1, 2, 3, 4 और 4A। तो 1 में हमने पढ़ा था संघ और उसके राज्य क्षेत्र। 2 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, नागरिकता। 3 में मौलिक अधिकार। 4 में नीति निर्देशक तत्व, और 4A में मौलिक कर्तव्य। तो ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए, तो पहले ग्रुप को आसानी से याद करेंगे। अब आ जाइए 5 to 8, इस ग्रुप में आते हैं। 5 में हमने पढ़ा केंद्र अर्थात संघ। दूसरे 6 में क्या पढ़ा हमने, राज्य। 7 में पढ़ा था कि इसे क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है, और किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया है, तो 7, 7, 7वें संविधान संशोधन द्वारा। फिर आते हैं 8 में, तो हमने ऊपर संघ और राज्य पढ़ लिया है, तो अब बारी आती है केंद्र शासित प्रदेशों की। तो 8वें में किसका वर्णन है, केंद्र शासित प्रदेश अर्थात संघ राज्य क्षेत्र का। अब इस ग्रुप को भी हमने एक बार रिकॉल कर लिया। अब आते हैं ऊपर वाले ये तीन वाले ग्रुप, 9, 9A, 9B, यानी 9, 9 का क, 9 का ख। तो 9 में हम लोग ने क्या पढ़ा था, पंचायत। 9 के क में क्या पढ़ा था हमने, पढ़ा था नगर पालिका, और 9 के ख में क्या पढ़ा था, सहकारी समितियां। तो ये तीनों का ग्रुप बना और इसे हम आसानी से याद रख सकते हैं। अब आते हैं 10 और 11 के ग्रुप में। 10 और 11 के ग्रुप में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी। 10 में पढ़ा था अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के संबंध में जानकारी किस भाग से मिलती है, तो हमें 10 से। 11 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो 11 में हम लोगों ने पढ़ा था संघ राज्य संबंध, जो केंद्र और राज्य के बीच में संबंध है। ये कई प्रकार के संबंध होते हैं, जैसे विधायी संबंध जो विधेयक बनाने संबंधी मामलों में होते हैं, प्रशासनिक संबंध जो प्रशासन चलाने संबंधी मामलों में होते हैं, और वित्तीय संबंध जो पैसे की लेन देन संबंधी होते हैं। तो इसी संबंधों का वर्णन भाग 11 में मिलता है संघ राज्य संबंध में। फिर हम लोगों ने इस ग्रुप को पढ़ा जिसमें 4 थे, 15, 17, 18 और 20।
15 में हमने पढ़ा निर्वाचन, 17 में पढ़ा राजभाषा, 18 में पढ़ा आपात उपबंध और 20 में पढ़ा संविधान संशोधन। और इस तरह से हमने आसानी से इसे एक टेबल फॉर्म में सजाया और उसे कुछ ग्रुप्स में बांटे और बिना किसी ट्रिक के इसे याद कर लिया। और इस तरह से याद करेंगे, एक बार दो बार पढ़ेंगे, इसे लिख लेंगे और इसके MCQ अर्थात जो क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको बनाइएगा, बहुत मज़ा आएगा। और जैसे जैसे वो क्वेश्चन बनेंगे आपके अंदर एनर्जी बढ़ेगी, पढ़ने की इच्छा बढ़ेगी और मज़ा आएगा पढ़ने का, एडुटेरिया के साथ जुड़ने का और फिर आगे बढ़ने का। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो से फ़ायदा मिला होगा। जो दोस्त स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, इसे पढ़ें, कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें कि आपको ये कैसा लगा और कॉन्स्टिट्यूशन के आप कौन से वीडियोस चाहते हैं। फिलहाल आपसे विदा लेने का समय आ गया है, लेकिन इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।